A very, very warm good evening, my dear students. How are you doing? Welcome to India's truly most loved bio channel called We Biotonic. And I am a teacher by choice. My name is Vani and I'm going to be teaching you biotechnology principles and processes. And today is part one. A very warm good evening, my dear children. Kaise ho aap log sab? I hope you're doing well. Mujhe pata hai aap intezar kar rahe hoge DNA fingerprinting ka. But then I realized kya DNA fingerprinting mein aayenge probes aur wo samjhate mujhe ho jayegi subah se leke shaam. To kyun na main aapko pehle recombinant DNA technology karwa do aur fir DNA fingerprinting karao. Kya kehte ho? Yes, everyone. So, इसीलिए I am back with a super amazing chapter called biotechnology, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है. अब आप कहोगे, मैम आप evolution क्यों नहीं करवा रहे? मैं evolution इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि उसको syllabus से आधा बाहर कर दिया गया है. तो पहले क्यों ना हम important topics कर ले और फिर not so important topics कर ले. क्या कहते हो? ये तो 100% syllabus में और बहुत ही important है. Right, everyone. शुरू करें फिर टूज यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बहुत ही मतलब सुपर से भी ऊपर क्लास होने वाली है. तो ध्यान देके बैठिएगा. क्लास के बाद करेंगे हम मेंटी क्विज. डन करना डन बैच ऑफ 2021. सो टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल द टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है. सो ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर. ये रहा हमारा आज का सुपर से भी ऊपर फैबुलस टाइम टेबल जो आज हो चुका है. टिडिंग. और हम पहुंच चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पे. कल हो रहा है नीट बॉटनी मेगा टेस्ट, क्योंकि हमारा एम है 180 ऑन 180 लेकर आना. और उसके बाद हो रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मेंटी क्विज. शाम को हम करने वाले ब्लड वेसल्स और कल करने वाले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. बहुत अमेजिंग लेक्चर्स. एंड सो स्टे ट्यून्ड टू वन एंड ओनली वी बायोटॉनिक. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. फाइनली न्यू चैप्टर हैज स्टार्टेड और हम बहुत ही अमेजिंग 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 तरह से न्यू चैप्टर को करेंगे. डन. चलिए तो इसी के साथ आज का सुपर से भी ऊपर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नीट बॉटनी मेगा टेस्ट ये रहा. कल का सिलेबस लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और ये है टॉपर टॉक्स. राइट, सुपर अमेजिंग टॉपर टॉक्स. दिस इज माय स्टूडेंट, हिज नेम इज सैनन अहमद. हिज गॉट 100% इन सीबीएसई. हिज अ केवीपीवाई स्कॉलर हुज गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन केरला राइट अप टू आईआईएससी बैंगलोर. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू चैप्टर. कर दो एक लाइक, बना दो एक हार्ट और कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे सुपर अमेजिंग चैनल को. फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स इन क्लास 12, गिव मी योर यो. वी हैव 8 months एंड इन द नेक्स्ट 8 months वी आर गोइंग टू रॉक एंड रोल. सो एक यो का साइन बना दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. शुरू करते हैं आज अपना ऑसम न्यू चैप्टर. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. बायोटॉनिक वॉल ऑफ फेम तक हमें जाना है. आज के सेशन नोट्स अगर आपको लेने हैं तो सेशन के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बिलो द सेशन आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा. वहां जाकर सेशन के नोट्स ले लीजिएगा और क्लास के बाद होगा मेंटी क्विज. तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. इस चैप्टर के बाद हम मूव करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस. आज बर्थडे है जिशान आलम का. सो जिशान जी, तहे दिल से आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि आपकी सारी दुआएं कबूल हों और आप बहुत जल्द बहुत अमेजिंग डॉक्टर बनकर निकले. चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. क्या है बायोटेक्नोलॉजी? फ्रॉम द स्मॉल curd that you make in your homes. How many of you helped your parents set curd? From the small curd that you make in your homes to the antibodies that you're making on the vaccine that Russia has produced against the COVID-19. Every single thing in between, the curd setting at home to the vaccine for COVID-19 comes in the gambit of biotechnology. Everything comes in biotechnology. Biotechnology is the technique of using live organisms or their enzymes. Ya live organism use karenge ya unki enzymes for products and processes useful to
ह्यूमंस। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम मेरिस्टम से प्लांट्स बनाते हैं, कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करके एंटीबॉडीज बना रहे हैं, कैसे हम वैक्सीन्स बना रहे हैं। एवरीथिंग फॉल्स अंडर द बिग 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 ब्रैकेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB का फुल फॉर्म याद रखिए। फोटोज देखिए कितनी अमेजिंग है। कैन यू ऑल सी द फोटोग्राफ्स? दी सुपर से भी ऊपर अमेजिंग फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है आप सबको, राइट? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने आइडेंटिफाई किया बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल साइंस की ऑर्गेनिज्म देखो कैसे कट करेगा, एंजाइम्स काम कर रही है, सेल्स सेल्स के पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी चीज, राइट? मॉलिक्यूलर एनालॉग्स एंड सर्विसेज, व्हेन आई यूज ऑल ऑफ देम टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड आई कॉल इट बायो टेक्नोलॉजी। व्हेन आई डू ऑल ऑफ दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड आई कॉल इट बायो टेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में हम क्या क्या करेंगे, क्या है? वाइन बनाना है, बियर बनाना है, सॉर्क्रॉट विच इज नथिंग बट कैबेज को फर्मेंट करना, राइट एवरीबडी? तो मुझे चीज बनाना है, योगर्ट बनाना है, पिकल्स बनाना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन लाइक SCID बायो ट्रीटमेंट विच इज कॉल्ड एज ADA, राइट एवरीबडी? To preparation of DNA vaccine for the COVID-19, to be able to synthesize and using a gene, all of these comes under biotechnology. For simple things to home, to one of the most complex thing which in the 21st century created the biggest problem for mankind, and we are preparing a vaccine for COVID-19, for something which we do at home every day, making cheese, making yogurt, विनेगर से पनीर बनाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी से विनेगर से दूध को बर्स्ट करके वी मेक पनीर, वी मेक कॉटेज चीज एट होम, टू मेकिंग द वैक्सीन। एवरीथिंग फॉल्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, आई प्रॉमिस इट टू यू। वी आर गोइंग टू हैव फिनोमिनल फिनोमिनल सेशंस, कूल? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू इट। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको पता है एग्जाम और कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट? एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, एग्जाम और कैंसिल नहीं हो रहा, आज नोटिफिकेशन आ गए तो मुझे मेरी टीम का फोन आया कि मैम सब लोगों ने ना नोट अनाउंस कर दिया है दैट एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप भी अनाउंस कर दीजिए। आपको पता है मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा सब लोगों ने अनाउंस कर दिया है ना? कहते यस मैम, सारे लोगों ने अनाउंस कर दिया है, सारे चैनल्स ने अनाउंसमेंट कर दिया है। मैंने कहा मिनिस्टर साहब ने भी इन्फॉर्मेशन आई है? मैंने कहा देखो बच्चे बेवकूफ तो है नहीं, है ना, पढ़े लिखे बच्चे, मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ, आई फील सो प्राउड दैट आई हैव गुड स्टूडेंट्स, आई हैव इंटेलिजेंस। मैंने कहा जब सबने अनाउंस कर दिया है तो बहती गंगा में भी बायोटोनियंस ने भी हाथ धो लिया होगा। मैंने कहा कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए या कुछ व्यूज के लिए मैं क्यों अनाउंस करके बच्चों का टाइम वेस्ट करूँ? कहते हैं मैम हम लोग भी कर देते हैं, व्यूज बहुत आते हैं, यू नो जब कुछ ऐसी सनसनीखेज इंफॉर्मेशन दो ना तो व्यूज बहुत आते हैं, लॉट ऑफ व्यू। मैंने कहा कुछ व्यूज कितने आ जाएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं और कितने व्यूज आ जाएंगे, है ना बच्चों? क्या कहते हो, यू अग्री और यू डिसएग्री, एक लाइक बना दो, यू अग्री विद मी? यस। तो मैंने कहा नहीं, पर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना इतना सनसनी अपडेट देने का, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, जब मेरे को पता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अब तो हमें पढ़ना है, हमें अब नाउ वी हैव टू स्टडी, दिस विल गेट अस मार्क्स, not the sansani, the sansani will not get us marks, yes or no? So please no sansani, only studies, there is enough sansani happening on news, yes or no everyone, correct? बहुत सनसनी हो गई न्यूज में, सारा दिन सनसनी चलती है, अब सनसनी बंद करके थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, yes? चलिए आ जाइए, तो आप सबको पता है देयर इज गोइंग टू बी नो मोर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी एग्जाम। 2021 का टाइम पे होगा, 2020 में सिर्फ पैंडेमिक आया था, आप सबका एग्जाम टाइम पे होगा। 2020 आपका एग्जाम 13 सितंबर को होगा, और 2020 आपका एग्जाम तो 13 सितंबर, 2021 आपका एग्जाम अपने टाइम पे होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है? तो आ जाइए जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्लाइड्स की क्वालिटी देखिए आप, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल स्लाइड्स,
right? The technique in which genetic material, DNA and RNA, is chemically altered. It is chemically changed. I have the ability to change a genetic material and introduce into host organism. Ho sakta hai. Human gene for growth hormone. There are people who are dwarf who require growth hormone to become tall. So I take the human gene for growth hormone, which is present in the human DNA. I take it and I insert it into a cell. The cell can be a myeloid cell or a bone marrow cell, which is a stem cell. Which is a stem cell. And I insert it into a cow. And what will the cow give me in milk? The milk might contain human growth hormone. So I took the growth hormone gene from the human beings. I genetically altered the growth hormone gene. I inserted the growth hormone gene into a cell of the cow. I put the growth hormone gene into the cow. And the milk started producing, or the milk contained human growth hormone. Is it clear? Is it clear, everyone? The milk contained human growth hormone. This is the power of biotechnology. Understood, everybody? Right, everybody? Okay, so let's move ahead, guys. And if there are any doubts, please put it on the Telegram section or the main comment section of this. So what are the steps? What are the steps? If I want to do this in a laboratory, what are the steps? Number one, I need to know ki desirable gene kaun si hai. Mujhe diabetes patients ke liye insulin chahiye. To mere liye desirable gene kaun si hui? Bataiye Amrit, Pratik, Suresh. What is a desirable gene? Insulin. Agar mujhe ek dwarf ko tall ya average height ka banana hai, to yes, desirable gene kaun si hui mere liye? What is a desirable gene if I want to make a dwarf person tall? Growth hormone. Growth hormone. If I want to treat a person who's got Parkinson's disease, which is a desirable gene? If I want to treat a person who's got Parkinson's disease, dopamine. Right, everybody? No talking, please. Okay? Chali, everyone. Got it? So, identification of the DNA with desirable genes. Introduction of the identified DNA into the host. So, main insulin ki gene nikalungi human being se, and I will try to put it in a host. Host ho sakta hai mere liye E. coli. What is the host for me, everyone? E. coli. Kyun E. coli host hoga? Why will E. coli be host? Because E. coli will reproduce very, very fast. Very fast. It will reproduce only in 16 minutes. So it is going to do the replication very much faster. Third, maintenance of the introduced DNA into the host and transfer of the DNA to its progeny. मैं आपको बताऊंगी इन सबसिक्वेंट लेक्चर्स व्हाट इज अ प्लास्मिड. एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है प्लास्मिड. व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड? प्लास्मिड. एंड इसके बाहर ये क्या लगता है? फॉरेन जीन, इंसुलिन की जीन, डोपामिन की जीन, right, growth hormone ki gene, and ye ban gaya recombinant which I add in the DNA. So point number one, I need to identify the desirable gene. Point number two, I need to add the gene of my interest or desirable gene into the vector. And number three, put it in a host. Most commonly used host is E. coli. Right, most commonly used host is E. coli so that it can reproduce faster. Let us go back into the history about the people who discovered all this for us and move ahead. These are two people. One of them is Stanley Cohen and Herbert Boyer. And this comes in exams all the time. The process of joining, and let me tell you guys, my dearest students, the war has now begun.
शुरू हो चुकी है वॉर, आपको ये पता होना चाहिए दैट आपका एग्जाम 13 तारीख को ही होगा, 13 को ही होगा। मैंने कुछ बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस किए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, 90 क्वेश्चंस किए थे आज सुबह हमने नीट 2020 के लिए, राइट? और आपको ये भी पता होना चाहिए दैट टुमारो आई एम डूइंग अ मेगा बॉटनी टेस्ट, अपकमिंग लाइक नीट बॉटनी का टेस्ट है और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। तो जिस जोश से आप आज क्लास देख रहे हो, नाउ सेम जोश शुड कंटिन्यू एंड 2021, यो 2020 का टेस्ट हुआ और 7-8 महीने रह गए, ओनली 7 or 8 months, एवरी सेकेंड एवरी मिनट एवरी नैनो सेकेंड इज प्रेशियस नाउ, every nanosecond is precious, right? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए that anybody does not focus on studies now. So process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetics is called recombinant. What is recombinant? I combine two. Recombinant क्या होगा? Recombinant होगा when I combine two. That is recombinant, right? तो हो सकता है कि मैं ह्यूमन बीइंग से इंसुलिन की जीन निकाल लूं और वो इंसुलिन की जीन मैं यहां ऐड कर दूं. See, I've added it here, और बाकी तो ये है, this is already there. देख लीजिए प्लीज. See, दिख रहा है आप सबको, देखिए. So, मेरे लिए क्या बन गया? Obviously, it becomes recombinant. What does it become? It becomes recombinant. Right, everybody? So, first recombinant DNA, which is very important historically for us to be able to do this. First recombinant DNA was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in the year 1972. They isolated an antibiotic resistance gene from a plasmid of Salmonella typhi, linked it with a plasmid vector and transferred into E. coli. तो उन्होंने एक प्लास्मिड में वो प्लास्मिड लिया सैल्मोनेला टाइफी से, जिससे टाइफॉइड कॉज होता है, उसके अंदर एक फॉरेन जीन डाली और होस्ट कौन था उनका? E. coli. प्लास्मिड क्या होता है? कैरियर ऑफ फॉरेन जीन, जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर, वेक्टर. सो प्लास्मिड लिया सैल्मोनेला टाइफी का, जो टाइफॉइड कॉज करता है, उसको कट करके उसके अंदर फॉरेन जीन डाल दिया एंड पुट इट इन द होस्ट कॉल्ड ई कोलाई. सो व्हाट आर द नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट, स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बॉयर? व्हाट इज द ईयर 1972? व्हाट डिड दे डू? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेयर डिड दे डू इट? सैल्मोनेला टाइफी का प्लास्मिड, वेयर डिड दे पुट द सैल्मोनेला टाइफी का प्लास्मिड? वेयर डिड दे पुट इट? Into E. coli. 1972, Stanley Cohen, Herbert Boyer, antibiotic resistance gene from a plasmid of Salmonella typhi and vector of E. coli. Right, everybody? तो बेटा, मुझे अगर दो जीन्स को ज्वाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको कट करना. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव टू डू? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव टू डू इज टू बी एबल टू कट द डीएनए. यस और नो? यस और नो? यस एवरीवन. 2021 आप तो देखते रहो, जैसे ही 2020 का एग्जिट हुआ, 2021 हमारा मेन टारगेट बन जाएगा. एंड आप लोगों को तो फिर जो पढ़ाया जाएगा दैट यू विल बी लाइक वाओ. सो जितने बच्चे नेक्स्ट 27 डेज आप एंजॉय कर लो, आपकी समर वेकेशन चल रही है 2021 फॉर नेक्स्ट 27 डेज. कल से शुरू आपकी समर वेकेशन का 26th डे, जिस दिन 13 सितंबर हुआ, 14 सितंबर से 2021 आप पर गरज बरस के पिटाई करके पढ़ाई शुरू होने वाली है. यस और नो? सो 12th वालों, यस एवरीबॉडी, राइट? सो जस्ट फोकस नाउ. थोड़े दिन रहेंगे, 26 डेज एंजॉय कर लो. 14 सितंबर से तो आपके बैच का बस. यस. So guys, and make sure you become a part of Biotonic so that you don't leave any stone unturned in your preparation. So, kal ki jo class hogi, isme main aapko ek bahut achhi kahani sunaungi restriction enzymes pe.
पढ़कर आना और लेट अस सी रेगुलर बैच के कितने बच्चे आते हैं इस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कहानी सुन पाएंगे जो मैंने बहुत अमेजिंग क्लास दी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रेगुलर क्लास में सुनाई थी. बट लेट्स कम टू द बायोटेक्नोलॉजी टूल्स एंड प्रोसेस. तो क्या क्या चाहिए, व्हाट ऑल डू आई मीन. सबसे पहले मुझे एंजाइम को कट करना है, राइट right? मुझे डीएनए को कट करना है ताकि मैं दो चीजों को ज्वाइन तो कर पाऊं. ये मेरा प्लास्मिड है, आई नीड टू कट इट. देखिए सो दैट इसके बीच में मैं फॉरेन जीन को डाल सकूं. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द एंजाइम्स व्हिच कट द फॉरेन डीएनए. यस और नो, यस पूजा यू आर विजिबल. जो एंजाइम कट करेगी डीएनए को उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेक्टर होता है एक प्लास्मिड जो कैरी करता है फॉरेन जीन को. कैरी करने वाला कौन है? प्लास्मिड. और होस्ट कौन होता है? ई कोलाई. सो सबसे पहले लुक एट दिस. डू आई कट? सी मॉलिक्यूलर सीजर. देखो मैंने डीएनए को कट कर दिया. जस्ट लुक एट द जिप. प्लीज सी आई कट इट. देखिए इसको मैं कट कर रही हूं डीएनए को. सो दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर्स व्हिच इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. द वन जिसके अंदर मैं फॉरेन जीन को ऐड करूंगी, द वन वेयर आई एम एडिंग द फॉरेन जीन इज द क्लोनिंग वेक्टर. और फाइनली आई विल एड इट इनटू अ बैक्टीरिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया? द होस्ट व्हिच इज ई कोलाई. सो ये तीन टूल्स हैं टू कट द डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, to carry it in a stuff called the cloning vectors and the host, the competent host. एक बड़ी important बात बता दी, जैसे मैंने बोला था restriction enzymes में एक half an hour की beautiful story जो मैं आपको कल बताऊंगी, but जो regular picture उन्होंने वो story देखी होगी. So if you too want to be a part of our super amazing regular classes, बच्चों आप 11th और 12th में हो, आप target कर रहे हो regular classes. और सबसे important बात बताऊँ, अगर आपको लग रहा है मैम मैं late हो गया हूँ अभी कैसे ज्वाइन करूं सेशन, सो एवरी वीक वी आर लॉन्चिंग टू माइक्रो कोर्सेज एवरी वीक. अगर आपको ऑप्टिक्स समझ में नहीं आया, ऑप्टिक्स का माइक्रो कोर्स. प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स समझ में नहीं आया, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स का माइक्रो कोर्स. फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आया, फोटोसिंथेसिस का माइक्रो कोर्स. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स समझ में नहीं आया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का माइक्रो कोर्स लाइव विद अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग. Full access to all the live lectures, instant in-class doubt because मेरी एक-एक class में 7 to 8 class teachers और doubt experts रहते हैं. PCB lectures, write separate English and Hindi batches, use on any device in your home. 5,000 plus hours of live learning, 20 plus teachers, 10,000 MCQs, micro courses launched. आज मैंने class 11th का KVPY batch शुरू कर दिया. Next month I'm going to start KVPY batch for class 12th, which is free, absolutely free. और ये सारे micro courses जितने भी हैं जो हर week launch होते हैं, ये free है pro subscription के लिए, absolutely free. 12 months की अगर fees आप दोगे तो daily 75 rupees only for 4 hours lecture. इसमें आपने संडे का टेस्ट, टेस्ट का एनालिसिस, क्लास टीचर्स, हर एक स्टूडेंट के पास एक टीचर होगा जिसको पर्सनल टीचर कहते हैं, स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर होगा जिसको हम सैम कहते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. ऑल ऑफ दीज पीपल आर देयर. सो गाइज डोंट वेट. इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर नीड इन द नेक्स्ट 7 or 8 मंथ्स, प्लीज गो टू vdnt.in/ytpro and कोड याद रखिएगा VD विच इज माई नेम, NEET विच इज योर एम, प्रो द स्पेशल मेंबरशिप एंड इमिजिएटली गेट अ डिस्काउंट. 2600 पर मंथ फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट, 75 रुपीज पर डे. और KVPY क्रैश कोर्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. तो सबसे पहले आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे. एज आई टोल्ड यू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करेंगे. तो डीएनए को कट क्यों करना है? डीएनए को कट इसीलिए करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू एड द फॉरेन जीन, दैट इज वाई आई नीड टू कट. सो दोज एंजाइम्स विच कट डीएनए. नाउ द कटिंग कैन नॉट हैपन रैंडमली. अगर आप भी पेपर को फोल्ड कर रहे हो, कट कर रहे हो, ओरिगैमी कर रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग, देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस, राइट. वो स्पेसिफिक प्लेस जिससे हम डीएनए को कट करेंगे, दैट स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम. व्हाट इज दैट स्पेसिफिक प्लेस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम. मैं बताऊंगी. जैसे अगर मैंने मलयालम लिखा है MALAYALAM, तो अगर आप इधर से पढ़ेंगे
और अगर आप इधर से पढ़ेंगे प्लीज सी इट मीन्स द सेम थिंग राइट पहले तो मॉम लिख रहे हो डैड लिख रहे हो वाओ लिख रहे हो मैडम लिख रहे हो राइट इट इज द सेम तो इन स्पेसिफिक एरिया से डीएनए को हम कट कर देते हैं सो दैट आई कैन ऐड द फॉरेन जीन एंड द स्पेसिफिक एरियाज वेयर आई कट द डीएनए इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम एंड द एंजाइम्स व्हिच कट इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब बच्चों वो कट अगर ये डीएनए है द कट कैन हैपन फ्रॉम द मिडल और द कट कैन हैपन फ्रॉम द एंड If the cut is happening from the middle, it is called as endonuclease. And if the cut is happening from the end, exit, bahar ka area, it is called as exonuclease. Aur jo cut lagta hai na, the cut is here, ye dekho. Cut yahan lagega, dekho. Right here, red color se bana. So beta, DNA ke jo ATGC bond hai, molecular basis, इसीलिए उसके बाद आई एम डूइंग बायोटेक्नोलॉजी तो जब आप डीएनए के दोनों पीसेस को सेपरेट करोगे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा एटीजीसी के बीच में दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा अमन यस एवरीबॉडी बेटा जिनको मेंटी करना है ना वो क्लास से जा सकते हैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जिनको मेंटी का कोड चाहिए वो चले जाए मेंटी का कोड आज क्लास में नहीं है आप जा सकते हैं क्योंकि क्लास पढ़ाई के लिए जिसको क्लास का एटमॉस्फेयर खराब करना है सिर्फ मेंटी के लिए आए हैं बहुत चैनल हैं जहां आप जा सकते हैं जहां पढ़ाई सिंसियरली नहीं होती ये चैनल एक पढ़ाई का चैनल है सो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है वो रुक जाएं जिन बच्चों को मेंटी करना है वो चले जाएं बाय डोंट कम बैक क्या कहते हो बाकी बच्चों बाय सी यू नो डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन है ना यस परफेक्ट क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई मेंटी मेंटी करके डिस्टर्ब नहीं करेगा कॉन्सेप्ट्स के बाद मेंटी होता है कॉन्सेप्ट से पहले मेंटी नहीं होता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ को मैं पढ़ाऊंगी फिर मेंटी करूंगी 2020 को मेंटी क्यों करवाया जा रहा है क्योंकि उनके एग्जाम में 26 दिन बचे हैं 26 दिन पहले कॉन्सेप्ट्स नहीं करवा सकते 26 दिन पहले सॉल्विंग करनी है पर 11th 12th में जिसको मेंटी मेंटी करना है वो चले जाए यस डन तो मेंटी वालों आप अपने आप को स्प्लाइस कर लो और चले जाओ आ जाइए सो बेटा ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स यहां से कट करती है यहां से ये और एंजाइम्स का नाम क्या है मॉलिक्यूलर सिजर्स मॉलिक्यूलर और कौन से पॉइंट पे कट करती है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं ये कट करती है पैलिंड्रोम्स पे कहां कट करती है पैलिंड्रोम्स पे और जब ये बीच में कट करेंगे और एटीजीसी सेपरेट होगा तो एटीजीसी के कौन से बॉन्ड टूट रहे विच बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच इज रेफर टू एज द स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हम कोई फॉरेन मटेरियल इसके पास इंसर्ट कर सकते हैं मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बताई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मॉलिक्यूलर सिजर्स के दो टाइप्स होते हैं एंडो और एक्सोन्यूक्लियस तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनका नाम है मॉलिक्यूलर सिजर्स क्योंकि आप डीएनए को ज्वाइन कैसे करोगे आप रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाओगे यू हैव टू ज्वाइन अ बैक्टीरिया विद ह्यूमन इंसुलिन जीन तो उसको क्या करना पड़ेगा कट तभी तो ज्वाइन करोगे सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सिजर्स दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स व्हिच आर रेफर्ड टू एज पैलिंड्रोम्स लाइक मैडम लाइक मलयालम राइट तो ये ह्यूमन इंसुलिन को भी कट करेगा और प्लास्मिड को भी कट करेगा सो दैट यू कैन ज्वाइन देम ये इंसुलिन को भी कट करेगा और प्लास्मिड को भी कट करेगा ताकि आप इन दोनों को जॉइन कर सकते हो सो वी कट इट क्लीविंग डीएनए मेक्स डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड ये देखो मान लीजिए ये इंसुलिन की जीन है और मान लीजिए ये प्लास्मिड है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ स्टिकी एंड्स हैं देखो वन स्टिकी एंड क्या आपको दो ब्लू स्टिकी एंड्स नजर आ रहे हैं Can you all see two blue sticky ends, everyone? Yes, ma'am? Everyone, yes, ma'am? And guys, मुझे अभी के अभी एक like चाहिए. अब, so ये दोनों को cut करके we will
join them. मैं आपको कल एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तो बहुत अमेजिंग कहानी सुनाने वाली हूँ. यू ऑल हैव टू कम. तो दोनों एंड्स में से स्टिकी एंड्स बन गए, देखो, एंड आई विल जॉइन देम. तो फॉरेन डीएनए जिसको मैं इंसुलिन का हो सकता है, ग्लूकागॉन का हो सकता है, थायरोक्सिन का हो सकता है, टी3 टी4 का हो सकता है, डोपामीन का हो सकता है, आई विल जॉइन इट विद द वेक्टर व्हिच इज द प्लास्मिड. राइट. और अगर मैंने उसको ऐसे कट किया बेटा, अगर मैंने उसको ऐसे कट किया तो देखो यहां पे डबल है और यहां भी, तो इस एंड को क्या कहते हैं, ब्लंट. जब मैंने ऐसे सेपरेट किया ओवरहैंग, जब मैंने उसको बीच से कट कर दिया, कैन आई कॉल इट अ ब्लंट एंड? कैन आई कॉल इट अ ब्लंट एंड? टेल मी यस मैम, नो मैम. आई वांट टू रीड योर कमेंट्स. यस एवरीवन. सो ब्लंट एंड्स, ब्लंट. देखो जब ये हैंग कर रहा है एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स, ये ऐसे कट हुआ, डबल है अभी तक, एंड का डबल है, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड अ ब्लंट एंड. ब्लंट एंड के अंदर इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन मटीरियल बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन मटीरियल बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. राइट एवरीबडी. आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम लेट इन फॉलोइंग योर लेक्चर्स. डोंट वरी श्री सेंदु चैटर्जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, देख लीजिए, सिंपल सी बात है. Done everybody. अंकित दुबे जी, आपकी मम्मी यहाँ पे नहीं है, आप ऐसे एमोजी क्यों बना रहे हो अंकित? Done. अंकित दुबे को एमोजी बना रहे हो, उनको ये नहीं पता मम्मी जी तो है नहीं इधर, फिर ऐसे एमोजी बनाने का क्या फायदा अंकित? ठीक है चलो. राइट. अब अंकित जहां पे मम्मी है ना, वहां जाके ऐसी एमोजी बनाओ प्लीज. क्या कहते हो बाकी बच्चों? आई विल डू दैट शांति जी. Yes, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए. सो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं दो, एक को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस. राइट. जो एंड से कट करती है, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट. करेक्ट एवरीबडी. तो एग्जिट जो एंड पे कट करेंगी एक्सोन्यूक्लियस, जो बीच में कट करेंगी एंडोन्यूक्लियस. एंड गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, हम शायद कल रहे ना रहे, आपको ये चैनल पसंद आए ना आए, आपको वाणी मैम अच्छी लगे ना लगे, आपको बायो पसंद आए ना आए, पर जिंदगी में एक असूल जरूर याद रखना, यू हैव टू बी अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन. व्हाट डू आई मीन बाय सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन? देखिए कभी किसी सामने वाले की बेइज्जती मत कीजिए. आपको टाइम का कुछ पता नहीं होता, टुडे इट्स योर गुड टाइम, टुमारो इट कुड बी समबडी एल्सस गुड टाइम. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द पोजिशन और द प्लेस वेयर यू आर. राइट. यू मस्ट नेवर लेट दैट ओवर कॉन्फिडेंस गेट योर हेड दैट आई हैव बिकम समबडी सुपर अमेजिंग और आई एम अ बिग पर्सन. यू नेवर नो, यू नेवर नो. हिस्ट्री हैज टॉट अस इन्यूमरेबल टाइम्स दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, द बिगेस्ट ऑफ सेजेस, द ग्रेटेस्ट ऑफ यू नो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, एवरी सिंगल वन हैज हैड अ डाउनफॉल. सो यू मस्ट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड लेट नो वन, आई रिपीट, लेट नो वन प्ले विद योर डिग्निटी एंड विद योर रिस्पेक्ट. Right? So make sure wherever, whichever college you go to, whichever school you go to, whatever you do, you must not be overconfident, you must not be proud, you must always be humble, but at the same time you must be stern and you must learn to respect yourself, because if you respect yourself, the world will respect you. But if you don't respect yourself, I'm sorry to say, nobody will respect you. Right everybody, don't worry, Roy, you'll be fine. Okay, let's move ahead. So I was telling you the restriction enzyme cuts. अब ये देखो आपको दोनों तरह के ends दिख गए. ये किस type का end है? देखिए overhangs है. We are coming to very interesting parts in the enzyme. ये देखिए overhangs है. देखिए. ये देखिए overhangs. तो ये किस type का end है? Sticky. When it is cutting like this. Sticky. और जब मैंने इसको बीच से कट किया blunt ends. Yes or no? Yes, it is blunt ends. So when I have to add a foreign material, it is always better to have sticky ends. So when you cut from the ends, it is exit.
एक्सोन्यूक्लियस. व्हेन यू कट फ्रॉम द मिडल इट इज एंडोन्यूक्लियस, राइट. तो जब एंड से रिमूव करेंगे एक्सोन्यूक्लियस, जब बीच से कट करेंगे विद इन द डीएनए endonucleus, right? They can bind to specific recognition sequence. What is the recognition sequence? Palindrome. Which are the specific points that they cut, right everybody? So दो तरह के bonds बनाए आपने. एक को क्या बोला आपने? एक को बोला और blunt ends. और जब ऐसे separate किया, you called it your sticky ends. राइट आ जाइए. सो नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के आ जाइए. हाउ डू यू नेम दीज एंजाइम्स? यू हैव टू नेम देम. मेरा नाम वाणी है, आप सबका भी नाम है. पुंगोलू का नाम है, ऋतिक का नाम है, वासुदेवन का नाम है, विनय रावत का नाम है, सबके नाम है, राइट एवरीबडी. सो इको आर वन अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. ई स्टैंड फॉर इशरीशिया. वट डज ई स्टैंड फॉर? राइट आस्था, देवांजन, ऋतिक, रूमा. ई स्टैंड्स फॉर इश्रीशिया. इश्रीशिया इज द जीनस. को स्टैंड्स फॉर कोलाई विच इज द स्पीशीज. तो पहला वर्ड किससे आएगा? ई कैपिटल. किससे आएगा? जीनस. बाकी के दो वर्ड्स किससे आएंगे? स्पीशीज. अगर आपने मेरे साथ फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, क्या आपको याद है? बस अब मेंटी आने वाला है. क्या आप लोगों को याद है फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में? मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन. कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन याद है? कितने बच्चों को रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन याद है? Wow, 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 wow. Yes. तो strain क्या होता है? Varieties. Varieties, strain. और first one, Roman numeral, the order in which the enzyme were isolated. तो अगर ये enzyme fifth time पे isolate हुई होती तो मैं इसका नाम दे देती ECOR5. E for Escherichia, CO. For coli, E is the genus, CO is the species, R is the strain. You remember rough and smooth strain? You remember the rough and smooth strain? Give me a high five. First letter indicates genus. Second two letters indicate species from which they were isolated. So ECO, R is the strain and 1 is the Roman numeral. Right? Restriction enzyme palindromic sequence. इसको पकड़ती हैं GAATTC. GAATTC. देख लीजिए, आपके सामने है. GAATTC, GAATTC, right? Restriction enzymes हमेशा palindromes को catch करती हैं. First restriction enzyme is HIND2, cuts DNA at a particular point. 6 base pairs है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 to 3 और 3 to 5, same direction में रहते हैं. इसको palindrome कहते हैं, right everybody? Done? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट. डीएनए लाइगेज. अब एक लास्ट चीज हम कर लेते बिफोर आज का क्विज हम करें, राइट. प्रिंस जैन जी, मुझे पता चल रहा है आपको बहुत टेंशन हो रही है, आप ब्लॉक हो गए हो. हर्षित जैन के नाम से आप वापस आ गए हो, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ लो, राइट. आ जाओ. तो जब मैंने डीएनए को ज्वाइन करना है, ये वेक्टर है, प्लास्मिड, और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोनों को मैं पास लेकर आऊंगी. और क्या करूंगी दोनों को? जॉइन. व्हाट विल आई डू? जॉइन. तो जॉइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ स्पेशल एंजाइम. उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज. स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड क्योंकि मेरे को उनको जॉइन करना है. और जॉइन कैसे करूंगी? डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज. तो अगर मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की थी हियर एंड हियर, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट मीन्स वेक्टर में भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और इंसुलिन में भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. देखिए, AATT, AATT दिख रहा है आपको? AATT, AA. सो देखिए, सेम पैलिंड्रोम था, GAATTC, G. वेक्टर में भी GAATTC, फॉरेन डीएनए में भी GAATTC. इको आर1 ने दोनों को कट किया. ब्यूटिफुल स्लाइड. क्या आपको इन द फॉरेन डीएनए कैन यू सी GAATTC? Hearts, 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 likes, likes, likes. Can you see GATTC in the foreign DNA? Yes, ma'am. Can you see vector mein GATTC? Yes, ma'am.
दोनों को कट करने वाली एंजाइम R1 कट किसने किया दोनों को बता दो चलो वंस अगेन वेक्टर डीएनए GAATTC वेक्टर फॉरेन डीएनए फॉरेन वेक्टर इज प्लास्मिड फॉरेन इज इंसुलिन के पहले GAATTC सेम GAATTC कट किसने किया इको आर वन किसने कट किया इको आर वन कैन यू सी वेक्टर AATT फॉरेन AATT ज्वाइन किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ज्वाइन किया क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ किसने ज्वाइन किया डीएनए लाइगेज ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और अब आपकी मनोकामना पूरी होती है विद द हेल्प ऑफ द मेंटी क्विज लीजिए प्यारे बच्चों आ जाइए 8147355 आ जाइए 8147355 Starting in 5 4 क्विक एवरी वन 2020 की तरह बन जाओ नैनो सेकेंड्स में ज्वाइन करते हैं कम ऑन 2021 आपको 25 दिन पर 2020 की जगह लेनी है कम ऑन थैंक यू निधि महावर ओके श्रुति इन द नेक्स्ट क्लास Starting in 5, starting in 4, starting in 3, starting in 2. Thank you, Badiha. Quick, quick, quick. Yes, Anishka. DNA fingerprinting we will do after we do DNA probes. So fingerprinting intention मत लीजिए DNA probes करेंगे और उसके बाद DNA fingerprinting करेंगे. चलिए start कर रहे हैं बच्चों 800 बच्चे तो everybody join. Menti.com का code है 8147355. Start. Biotechnology's integration of natural science and अरे मैंने by heart भी कराई किसने बोला ये? Asian American European Egyptian. किसने बोला है यूरोपियन फेडरेशन यार इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता अमेरिकन नहीं है एशियन नहीं है इजिप्शियन तो बिल्कुल नहीं है EFB अगला सवाल ओह दैट्स सो स्वीट यस विनोद तायबा अनु इंदु नमीरा पुंगलु कैथी अंजलि वालांका चलिए अगले सवाल पे दैट्स वेरी नाइस मलकीत प्रिंस जी आप टेंशन मत लीजिए आप हर्ष के नाम से देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है इस एंजाइम का नाम बता दीजिए ओह दैट्स सो नाइस पायल इस एंजाइम का नाम बताइए निक कर रही है निकिंग एंजाइम
restriction endonucleus because it nicks, it cuts it. Yes, Rupali, Anurag, Pooja, Saurav, Meghna, Punya, Neetu, Aditya, Trupti, and ab bas doctor banna hai. And Binod. Chaliye Binod ji. Palindrome identical, complementary, similar. Good one. Excellent. It's called the palindrome. Agla sawal. After the leaderboard, Binod, Trupti, Neetu, Punya, Pujita, Meghna. Oh my dear child, God bless you. Sakshi, Takshyani, Shikha. Thank you so much. Thank you so much. Agla sawal. I know, Shikha. When a DNA is fragmented by restriction, endonucleus dash are produced. Sticky, blunt, non-end, none of the above. Fragmented. Thai answer. Non-sticky, blunt, sticky. 50th place, Vasudevan, you can do better. Come on, kids. Sticky ends. Chaliye. Binod, Trupti, Pujita. Thank you, Pujita. Neetu, Dakshyani, Meghna, Devanagari, Lahari. Thank you, Shikha. Kamal. Lovely, guys. Well done. Chaliye, agle sawal se. Last question and then the final leaderboard. The nucleotides are joined together by what? This word was there. Yes, they join together by DNA ligase. And we finally come to the last leaderboard. What a beautiful class today. Sejal, Lahari, Devanagri, Kamal, Dakshyanshi, Pujita, Meghna, Neetu, Trupti, and Binod ji. Yes, so with that, aaj ki awesome class khatam hoti hai, bachcho. I will see you tomorrow morning sharp at 8 in the morning. Yes, pretty early, but thode din aur ki baat hai. Once you work hard, your prayers and your hard work will not go for a waste. So that's all for today. Take care. Don't forget to like. Become a part of We Biotonic as if it's your own channel. That's all for today. Bye.